पूर्वी चंपारण में COVID-19 टीकाकरण को लेकर आज मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले भर को कोरोना मुक्त करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पंचायत स्तर पर माइक्रो प्लान के अनुसार 614 जगहों पर 1.5 से 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सुबह 7 बजे से ही टीकाकरण कर्मियों ने अभियान को शुरू किया। हरसिद्धि प्रखंड के मुरारपुर पंचायत में पंवरिया टोला का स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद पड़ा था। हमारे चैनल ने स्वास्थ्य केंद्र का हाल बताया। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तुरंत मामले को संज्ञान में लिया गया और आज उस उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर कुछ समय पहले की है जहां उप स्वास्थ्य केंद्र पशुओं का अड्डा था, लेकिन आज वहीं स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण चल रहा है। INS24 न्यूज की मुहिम सफल हुई है। स्थानीय समाज सेवी देवेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों को बुके देकर सम्मानित किया। वहीं INS24 न्यूज के संवाददाता तबरेज आलम ने टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी से बात की है। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर क्या कहा, सुनिए। तबरेज आलम INS24 से लाए हैं। आज हमारे यहाँ कोरोना का वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दिया जा रहा है पौरिया टोला उप स्वास्थ्य केंद्र पे। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे किस वैक्सीन का दिया जा रहा है और कैसा व्यवस्था किया जा रहा है यहाँ पे। सर नमस्कार। सर हम जानना चाहेंगे कि कौन सी यहाँ पे वैक्सीन पड़ रही है और ये जो वैक्सीन पड़ रही है जनता के लिए कितनी कारगर है। बहुत ही कारगर है, तभी सबको लेना मैंडेटरी है कोविड वैक्सीन। और आज जो हम आपके सेंटर पे दे रहे हैं वो कोविशील्ड है, इसका अगला डोज ये फर्स्ट डोज है और सेकेंड डोज एक कोविड एज के बाद लेना है, तो हम लोग वही लेके आए हुए हैं आपके सेंटर। सर आपका नाम? अमित पराशर। आप कहाँ पे सर? हरसिद्धि में है, केयर इंडिया से है, CVC के बोर्ड। सर हरसिद्धि से और कोविशील्ड करें और लेना अति आवश्यक है और ये समझे कि जीवन रक्षक जो है ये लोग काम आने वाले हैं। धन्यवाद।